जूते पहन के बाहर आ जाओ तुम दिलीप भाई। अरे रुक जा यार। सर 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 थोड़ा सा उतरो जी। थैंक यू सर। अबे नहीं मार रहे हो ना दुकान में सर। सामने से मिल रहा लो ना। सर थोड़ा सा मैम एक बार ये विजुअल चाहिए। सब लोग हाथ लगाइए। सब लोग आपको विजुअल यहाँ सामने देखिए। अरे यार भैया यार ये कौन है? छोड़ दो तुम लोग को बस के नहीं है। चलो हो गए दोबारा कराया फिर। थैंक यू मैम। काटिए मिल रहा मैम कर दिए। यस आ जाइए मैडम थोड़ा वॉक कर लो। यस लाइट दो भाई। इतना पसंद करते हैं। इट्स बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड एवरीवन प्लेज बैडमिंटन एंड आई थिंक जितने भी एकेडमीज बैडमिंटन के हो वो कम है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज यहाँ पे दोस्ती जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अपने एकेडमी ओपन होने वाली है एंड आई जस्ट वांट टू सी के काफ़ी और बैडमिंटन प्लेयर्स आए हमारी कंट्री से और वो कैसे पॉसिबल होगा, वो सोसाइटी से पॉसिबल होगा देन ऑफकोर्स द प्रोफेशनल लेवल। तो अगर इतने जैसे ये खुल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जो प्लेयर्स यहाँ से निकल के आएंगे एंड दे विल बी फ्यूचर चैम्पियंस। सो इट्स सो नाइस टू सी दैट आई एम हियर टुडे गोइंग टू ओपन सच अ बिग एकेडमी एंड आई रियली वांट टू सी कि यहाँ पे भी और प्रोफेशनल एथलीट्स आए जो साइना जैसे सिंधु जैसे प्रणॉय जैसे बनना चाहे एंड इन द फ्यूचर वी विल ऑल हैव देम प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल। तो और क्या खुशी होगी मुझे। तो इट्स I'm really happy to be here today and I hope that aur bhi aise complexes khule future mein. Sir, aapke matlab kaise idea hai ki multiple sports facility aapko aapke is dosti
एक्चुअली ये ख्याल हम बरसों से एज अ कंपनी फिलॉसफी मेंटेन करते रहे हैं. हमारे सबसे ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो है इन वडाला एंड साहिन, दोस्ती एक कज़न दोस्ती फ्लेमिंगो, 2003 और 2005 के बीच में, उधर भी वी डिलीवर्ड द फर्स्ट क्लब हाउस अक्रॉस मुंबई एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ दैट वी वन मेनी अवार्ड्स हमारे क्लब्स के लिए. एंड हर एक क्लब में वी बिलीव के स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफस्टाइल एमिनिटीज देने चाहिए ताकि कस्टमर्स कैन थरली एन्जॉय देम. एंड दोस्ती का स्ट्रेंथ है कि हम एवरी टाइम कंपनी की लैंड खरीदती है फॉर डेवलपमेंट, तो कस्टमर के लिए एक बड़ा सा लेआउट बन सके कि नॉट जस्ट उनके घर में तो जो भी संस्था हो वो होनी चाहिए, लेकिन वन डजेंट नीड टू गो आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू एन्जॉय अ स्विम और बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड सो ऑन. सो इन टूडेज हसल बसल ऑफ मुंबई लाइफ स्टाइल पीपल डोंट हैव टाइम. टाइम बींग अ वेरी वैल्यूबल एसेट फॉर ऑल ऑफ अस, वी एंडेवर के हमारे हर एक प्रोजेक्ट में वी ट्राई टू गिव वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इन द प्रोजेक्ट ताकि कस्टमर कैन ईजिली एन्जॉय इट जिस फुटस्टेप्स अवे फ्रॉम हिज हाउस. Correct. We would definitely like that all of our customers, even our staff members at Dosti lead a healthy and wellness-oriented lifestyle. So, uske liye we believe ke in all of our projects, we would like to deliver top-class sporting infrastructure. And even creating sporting infrastructure encourages openness amongst the community. The kids get to enjoy with the grandparents. Kabhi the parents have a small social outing in the amphitheater or while playing a game of badminton. Not necessarily everybody wants to play it professionally, but when one gets into a sport, the dedication, determination, grit jisse hum khel khelte hai, usse hamare kaam mein bhi improvements hota hai. So we encourage a healthy work-life balance for our, we try to provide whatever max we can taki our customers can also enjoy something very nice. चैलेंजेस तो बहुत सारी थी, पर यू नो देर वॉज वन थिंग, वी हैड अ वेरी गुड गोल एंड अ विजन टू लाइफ एंड वी हैड अ वेरी मेन गोल वॉज टू प्रोवाइड कस्टमर्स द अल्टीमेट होलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी लिविंग. चैलेंजेस मेनली हमारी थोड़ी टाइम ड्यूरेशन की थी, दूसरी की यू नो एवरीबडी नोज दोस्ती वेस्ट काउंटी इज़ 100+ एकर टाउनशिप, सो बिल्डिंग अ क्लब बिफोर टाइम बिफोर गिविंग द रेसिडेंस इट्स पोजेशन did take a lot from our end with our engineers and all our consultants. Another thing, there was a lot of concrete and you know cement wasted material used, and in order to just fraction it at a very good pace, we had to really play well on our logistics. Our entire project planning logistics for the clubhouse had to be speed up. And another thing was that despite having the club ready at this point, the entire township is not ready. So while having this fancy club put out here and still having a lot of like pollution and dust control procedures put in around, that has been slightly challenging from our end, because eventually the customer's duty and responsibility is completely in the promoter's end of Dosti. So sometimes, you know, these safety measures were a very big challenge and they till date are. But you know, at the same time, a couple other things that have played out well is that customers, we may be one of the only few developers who are giving customers their amenities and clubhouses before giving possession of a flat also. So that also is a very big booster, because eventually everybody, the main thing everybody wants is timely possession delivery of in their house and all their surroundings. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने सही बोला कि टाइम बहुत कम है इंडिया में. जो देखते हैं आप, काफ़ी हमारे पास इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन्स कम हैं. और हमें चाहिए कि ऐसे ही अगर सोसाइटी में इतने प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बन रहा है
दैट्स व्हेन यू विल सी के कुछ अच्छे प्लेयर्स आए वहाँ से. अदरवाइज काफ़ी जगहों पे आई हैव सीन पर्सनली, मेरे कम्युनिटी में भी है जो चल रहा है, मतलब इट्स ओके, एवरी वन कैन गो एंड प्ले, बट इट्स नॉट लाइक दैट प्रोफेशनल लेवल. अभी आपने देखा बैडमिंटन प्रोज को लेके आए हैं, वो इट्स नॉट ईजी टू गेट समवन दैट हाई लेवल इमीडिएटली. अगर एक आप कम्युनिटी खोल रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे को क्या पता होगा पहले रैकेट पकड़ना है या क्या उसका फ्यूचर क्या है, उसने सोचा भी नहीं होगा. लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द किड. सो उन्होंने हमारे साथ बैडमिंटन प्रोज के साथ हम ज्वाइन किया है ताकि वो बेस्ट कोचेज ला सके और बच्चे को स्टार्ट ही ऐसा कर सके कि उसकी थिंकिंग हो कि मैं बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड में बन सकूँ. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थॉट एंड आई एम श्योर कि इन्होंने स्टार्ट किया है एंड काफ़ी अदर कम्युनिटी इनको देखेगी, सीखेगी इनसे, तो हमारे पास पूरे इंडिया में आई एम श्योर स्लोली ऐसा कल्चर बन जाएगा कि अपने घर से ही स्टार्ट होना चाहिए जो नॉलेज है किसी भी चीज़ का. एंड लेटर ऑन यू विल सी कि जैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि एक दिन मैं बैडमिंटन प्लेयर बन जाऊँगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट हैव एनीवन लाइक यू नो. अभी हम आप देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स टॉप 50 में हैं बैडमिंटन में, बट वो टाइम पर तो हम फर्स्ट राउंड भी नहीं जीतते थे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम्स थॉट कि इसको कुछ बनाना है एट द हाइस्ट लेवल, एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ वन पर्सनस बिलीफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वहाँ पे तो कम्युनिटी में क्या सीमेंट कोर्ट पे खेलते थे, नी टुड़वा लोगे आप, अपने एंकल टुड़वा लोगे, बट आज इतने प्रोफेशनल लेवल पे आपके पास वुडन कोर्ट है, इतने हाईली मतलब आपने किस जगह से, मतलब मलेशिया से मंगवाया होगा या जो भी बेस्ट है जहाँ से वुड जो मिलता है, ताकि वो सॉफ्ट रहे, हमारे नीज पे सॉफ्ट रहे और प्लेयर और लंबा खेल सके. तो वैसा वो टाइम पे थॉट नहीं था, अभी बढ़ रहा है क्योंकि स्पोर्ट इज़ ग्रोइंग, एवरीवन वांट्स टू प्ले, एज आई सेड सब खेलना चाहते हैं बैडमिंटन. इट्स जस्ट दैट हमारे पास उतने कोर्ट्स नहीं थे, बट अभी डेवलप हो रहा है और बेटर हो रहा है. साउथ में तो आई थिंक बैडमिंटन डोमिनेट कर रहा है लाइक एनीथिंग, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कोर्ट, बट मुंबई में चाहिए और नॉर्थ में चाहिए ताकि हम और भी आगे बढ़ सके. एंड आई थिंक दिस इज द स्टार्ट, ऐसे ही स्टार्ट होता है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट. सो आई वुड लाइक टू थैंक दोस्ती ग्रुप फॉर थिंकिंग सो वेल अबाउट द अपकमिंग मतलब जनरेशन एंड द प्लेयर्स. एंड आई एम श्योर यहाँ से भी कोई बड़ा चैंपियन बन गया, व्हाट एल्स वी नीड. यू सो फर्स्टली आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम होप दैट यू नो ऐसे बड़े ग्रुप्स आर इन्वेस्टिंग इन टू स्पोर्ट. यू नो लाइक व्हेन वी हैव ग्रोन अप इट वाज सो डिफिकल्ट टू रीच अ प्लेस देन स्टार्ट प्लेइंग बैडमिंटन और एनी अदर स्पोर्ट. सो आई थिंक फर्स्टली फॉर एनी रेसिडेंट यार यू नो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट जस्ट बैडमिंटन, मतलब काफ़ी हैं, जिम है, हेल्थ फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स हैं. सो आई थिंक इट्स दैट इज एक्सपोजर इज़ वेरी गुड. यू नो एंड the advantage of having an academy like us is we are in the process of creating champions. Of course not everybody has to become a champion, but it's important to start playing. Lekin wo ek process hota hai, champion ke sab ban sakte hai. So that we have gone through that process ourselves as players, and we also run coaching academies across the country, and with Saina's mentorship and support, you know, we want to ensure that any child who wants to become a champion, wants to take sport seriously, we will provide that pathway, you know, for them. And the tie-up with Dosti Group, of course, you know, the vision, I mean, Mumbai mein land, of course, everyone knows is so premium, and land available nahi, and, you know, the Dosti Group is investing into sports, into, I mean, they could have built maybe more facilities, right? But, so I think that's a very welcome move when, you know, such big groups are thinking about sport, and that just encourages academies like us that we are going in the right direction. So by the way, I'm Nitin Nagpal, Director of Sales Marketing. So I just want to say one thing that, you know, Dosti West County is a large planned township. And ye thought tab aaya ki jab itne sare log yahan rahenge, then obviously we have to give them more than what we have promised to them. And badminton court, sare other amenities, sare log, sare other complex mein enjoy kar sakte hain, but we thought we want to give something different, something more professional, and that's the reason why we have Saina with us only. Saina, Olympics is down the corner, is there any reaction to the issues? Matlab jo, I'm sure, mera to is bar, it's very difficult because of my arthritis and I've tried my level best, aur jo maine 25 years apne game ko diya, I look back and I'm like really happy with what all I've achieved, but now the team which is going, I would like to congratulate them. They have worked really hard and definitely there are a lot of chances this time to get a gold as well. Apna Satvik Chirag really strong and
we have Pranoy, we have Sindhu. So I would like to congratulate all of them, and I look forward to the Olympics. I want to see not only badminton but all the other sports. Of course, Neeraj Chopra is one more strong contender for getting a gold medal. So let's see how it goes. And जी बताइए. अरे क्रिकेट इज एवरीवेयर एनीवेज, तो उनको तो हम भूल नहीं सकते हैं. बिग कंग्रेचुलेशन टू देम फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप. एंड कल मैंने देखा उनका सेलिब्रेशन भी काफ़ी अच्छा किया गया. आई होप दूसरे स्पोर्ट्स को भी ऐसे एंकरेजमेंट मिले. देन आई थिंक वी आर नो लेस बिकॉज इन टॉप 50 एज ए सेट वी आर ऑलमोस्ट 10-15 प्लेयर्स. एंड बैडमिंटन इज द सेकेंड मोस्ट लव्ड स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट. एंड आई जस्ट होप के इन फ्यूचर हमें भी वैसा वेलकम मिला तो आप लोग ही बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में और चैम्पियंस. तो देखते हैं मैं दोस्ती ग्रुप को यही मतलब बोलना चाहूँगी कि जो आपने स्टेप लिया है इट्स अ वेरी बिग स्टेप बिकॉज टू प्रमोट स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉट यू हैव डन इज़ रियली रियली बिग. बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन. मुझे इंस्टा पे इतने मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, दीदी अकेडमीज नहीं मिल रहे हैं, हमें खेलना है. बट नाउ व्हेन दे हैव सच बिग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हियर इन दी सोसाइटी इट्सेल्फ, आई एम श्योर यहाँ पे तो काफ़ी हद तक लड़के लड़कियाँ खेल पाएंगे बैडमिंटन. एंड आई होप इन द फ्यूचर जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है आई वुड लाइक टू सी इट हैपनिंग इन लॉट मोर सोसाइटीज़ एंड लॉट मोर अकेडमीज ताकि ईजी हो प्लेयर को स्ट्रगल ना हो. एंड दे लाइक हाउ आई ट्रैवल 25 किलोमीटर्स अप एंड डाउन टू गेट अ प्रॉपर फैसिलिटी. आई डोंट वॉन्ट पीपल टू फेस दैट. जब इतना पॉपुलर हो गया है कोई स्पोर्ट तो आई थिंक घर घर में मिलना चाहिए सब फैसिलिटी. इट शुड बी मच मोर ईजियर. वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स और ईजी हो जाएगा. सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्ती ग्रुप एंड आई एम श्योर बैडमिंटन प्रोज विल डू द लेवल बेस्ट टू गेट द बेस्ट कोचेज. एंड आई एम हियर टू मोटिवेट लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड टेल दैम कैसे चैम्पियन बनना है. एंड आई एम देयर विद द यंगस्टर्स. दैट्स ऑल आई कैन से. थैंक यू.